नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा कलेक्टर ने 8 आतंक अपराधियों को जिला बदर किए जाने का आदेश मंगलवार 10 अक्टूबर को जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 8 आतंक अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मंगलवार 10 अक्टूबर को यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन 8 आतंक अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन सभी आतंक अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।